ओके जी, ये दिया था साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x साइन एक्स, और पूछा था कि जवाब चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पास पेपर के क्वेश्चन हम चुन चुन के कर रहे हैं। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x या साइन 4x। वेल, देखो ये कुछ एक फार्मूला होता है हमारा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। तो अब अगर गौर से देखो तो अल्फा की जगह मौजूद है 3x, बीटा की जगह मौजूद है x, है कि नहीं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो अब हम करेंगे क्या, अल्फा की जगह 3x, बीटा की जगह x पुट कर देंगे, तो मेरे भाई ये फार्मूला लग जाएगा। अब ये फार्मूला आखिर होता किसके बराबर है? साइन अल्फा प्लस बीटा। मौजूदा दौर में तो या क्वेश्चन में अल्फा 3x है, बीटा x है, तो हो जाएगा साइन 4x, यानी कि ये वाला ऑप्शन, यानी कि ये हो गया मेरा आंसर। बच्चों फर्स्ट के टेस्ट में सवाल आया था कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन बी था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सी था बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसी तरह देखो कॉस 2 थीटा का फार्मूला, ऑप्शन ए था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर भी क्या है? ऑल ऑफ अबव। प्यारा सवाल है, 2 साइन 7.5 इंटू कॉस 7.5, और वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। ऑप्शन है 1 √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 √3 माइनस 1। अब जहन में सवाल आता है क्या हमें 7.5 या कॉस 7.5 की वैल्यू भी याद रखनी होगी? नहीं रखनी। जितनी याद रखनी होती है वो जहरी सी बात है मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो उसमें जैसे कि 30, 60, 45, 90 और 15 के एंगल, 15 के एंगल की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइन का हो कॉस का। तो फिर क्या करेंगे? देखो सारे फार्मूलों को दिमाग में बार बार हमें रोटेट करना है। एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। वेरी गुड, तो जी बिल्कुल यहाँ वही एंगल लग रहा है। थीटा की जगह 7.5 है, 7.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब इनमें से जो साइन 15 की वैल्यू है भाई वो ये है, ठीक है? फिर मैंने कहा कि 15 की वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रीज की हमें याद होनी चाहिए। अच्छा देखो नीचे जो लिखी है इसकी बिल्कुल रेसिप्रोकल वैल्यू है, कोई बताएगा नीचे वाली वैल्यू किसकी हो सकती है? कॉस 15 या कॉस एक। देखो कॉस एक बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। कॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, सेक में फिर कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेन कैसे आएगा, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉट क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल। अब देखें कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ऑप्शन ए था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्यास के टेस्ट में आया था ऑप्शन सी में था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, डी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये था ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। याद रहे कॉस 2 थीटा 10 की टर्म में इसके इक्वल होता है, कॉस और साइन दोनों की टर्म में इसके इक्वल, कॉस के टर्म में इसके इक्वल और साइन के टर्म में इसके इक्वल। इसी तरह एनईडी में सवाल ये आया था कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ऑप्शन ए में था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन बी में था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सी में था बोथ ए एंड बी। इसका आंसर था बोथ ए एंड बी। अब पूछो देखो कॉस 4 थीटा बराबर होता है, जितना साइन 4 थीटा का फार्मूला इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉस 4 थीटा का भी। आखिरी फार्मूला होता क्या? होता है 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पास पेपर में सवाल क्या आया था? वेल क्वेश्चन था 8 cos 4 11.25 माइनस 8 cos स्क्वायर 11.25 माइनस 1। तो थीटा यहाँ कितना हो गया है? 11.25। क्या cos 4 थीटा का फार्मूला लग रहा है जी? बिल्कुल लग रहा है जी, और थीटा 11.25। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 2 इज योर आंसर।
जो पेपर में आया हुआ बड़ा प्यारा सवाल, 4 sin 3.75 cos 3.75 cos 7.5 किसके होते हैं? वेल जरा गौर से देखो कि 3.75 यहाँ भी 3.75 और चौंकने वाली बात है 3.75 का डबल, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा शॉर्ट ट्रैक फार्मूला यूज हो रहा होगा। मैं ये देखूंगा यार, छोटे एंगल को हमेशा देख लिया करो, ये कितना है 3.75, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो 2θ 7.5 हो जाएगा। अब मैं अपने फार्मूलों में अपनी मेमोरी में रिव्यू करूँगा, क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है? तो बिल्कुल जी, एक फार्मूला होता है 4 sin θ cos θ cos 2θ, या फिर बराबर किसके होता है, ये होता है sin 4θ के। क्या ये फार्मूला लग रहा है? हाँ जी, 4 की जगह 4 sin 3.75 बिल्कुल है जी, cos 3.75 और cos 2θ का डबल यानी 7.5 बिल्कुल लग रहा है। अब इसको बराबर होना चाहिए sin 4θ पावर नहीं, खाली sin 4θ। तो थीटा कितना है? 3.75, यानी कि बोले तो 3.75 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। 3.75 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin 15। अब sin 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, अब ऑप्शन में देख लो, या तो 0.25 होगी या √3 - 1 2√2 होगी। साइन 15 की वैल्यू आपको आंख बंद करके याद होनी चाहिए, √3 - 1 2√2 या 0.25। ठीक है जी, वेरी वेरी जो बहुत प्यारा सवाल है, 4 cos 4 18.75 - 8 cos² 18.75 - 1। अब बच्चों अब कुछ ना कुछ थीटा सोचो क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स 18.75 है, अगर मैं 18.75 मान लेता हूँ थीटा का, तो इसका मतलब सिचुएशन हो गई 4 cos 4θ - 8 cos²θ - 1। यही है, बिल्कुल यही है। क्या ऐसा कोई फार्मूला है मेरे पास? जी बिल्कुल है, ये बराबर होता है cos 4θ के। वेल, अगर 18.75 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 75, यानी कि cos 75 इज़ माई आंसर। अब cos 75 की वैल्यू देखो, बात सुनो, सीधे साधे ट्रिक जहन में रखो कि जो साइन 15 की वैल्यू होती है वही cos 75, यानी कि √3 - 1/√2 या 0.25। क्योंकि देखो, जो cos 15 की वैल्यू होगी वही sin 75 की होगी, यानी √3 + 1/√2। तो वेरी वेरी